आज के हम क्लास में आपके साथ बातचीत करने जा रहे हैं रिकॉर्डिंग, माइक्रोज रिकॉर्डिंग। किसी माइक्रो को कैसे रिकॉर्ड करते हैं, ये आज का हमारा सेशन है। तो हम आपके साथ सेम चीज डिस्कस करेंगे, जैसे कि यहां हमारे फीचर्स में एक रिकॉर्ड माइक्रो का ऑप्शन होता है। अब कुछ लोगों की अपने कंफ्यूजन होती है, जिसके बारे में कल भी डिस्कस किया था कि रिकॉर्डिंग माइक्रो को मैक्रो समझते हैं और वीवीए को जो है वो कोडिंग करते हैं उसको हम वीवीए समझते हैं। दोनों को अलग अलग समझते हैं, जो कि गलत है। वीवीए एक लैंग्वेज है और रिकॉर्डिंग माइक्रो एक फीचर है जो आपके बिहाफ पे रिकॉर्ड कर देता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे रिकॉर्ड माइक्रो शुरू किया, यहाँ पे कर्सर रखा, यहाँ पे नेम, यहाँ पे सिटी और यहाँ पे अमाउंट लिख दिया, आ स्टॉप कर दिया। अगर मैं इसी चीज को खुद से रिकॉर्ड करना होगा तो मैं इंसर्ट यहाँ पे मॉड्यूल से ऑलरेडी है इसी में आऊंगा और इसके नीचे लिखूंगा सब्जेक्ट आर आर या कुछ भी नाम दे दीजिए। यहाँ पे लिखते हैं रेंज A1 डॉट वैल्यू इक्वल टू नेम और इसी को 3 बार कॉपी पेस्ट कर दिया और A1 को हो जाएगा B1 और यहाँ हो जाएगा C1 और नेम हो जाएगा हमारा सिटी, यहाँ भी हो जाएगा अमाउंट। अब दोनों एक ही काम करता है। यहाँ देखिए किसी भी सीट पे अब मैं अपना RR वाले माइक्रो को रन करके देखता हूँ तो नेम और सिटी हो गया। दोनों माइक्रो सेम वर्क कर रहा है। एक को क्या किया हमने, रिकॉर्ड किया, एक को हमने क्या किया कोड किया। अब दोनों की कोडिंग में फर्क आपको जोर दिखेगा, जैसे कि यहाँ देखिए कि इसकी कोडिंग ज्यादा है और डिफरेंट है, बट मेरी कोडिंग कम है और भी डिफरेंट है। ऐसा इसलिए कि रिकॉर्ड माइक्रो ऑफिशियल लैंग्वेज को फॉलो करता है। अब लैंग्वेज की बात हुई तो मैं बता दूं, लैंग्वेज का मतलब ये हुआ कि आपकी जो हम जो बोलते हैं उसका अलग लैंग्वेज है, लिखते हैं कुछ अलग लैंग्वेज है। जैसे एग्जाम्पल कि आपको अपने बॉस के पास जाना है और बॉस से पूछना है कि बॉस कल मुझे छुट्टी चाहिए, आप जाके नहीं बोलोगे ना सेवा में श्रीमान शाखा प्रबंधक महोदय आप इसे समय ही निवेदन है कि कल दिनांक इतना से इतना तक की अवकाश स्वीकृत की जाए, ऐसा तो नहीं बोलेंगे। ठीक है, इसलिए लेकिन इसी चीज को अगर लिख के देना होगा तो वहां पे आप ऑफिशियल लैंग्वेज यूज करोगे तो सेम उसी तरह से काम करता है। अब क्वेश्चन आता है कि सर आपने भी कोडिंग किया, उसने भी कोडिंग किया, हाँ उसने थोड़ा सा ज्यादा कोडिंग की है, अलग कोडिंग की है, लेकिन काम तो मेरा हो रहा है, तो फिर हम रिकॉर्डिंग माइक्रो से ही काम क्यों ना चला रहे। देखिए रिकॉर्डिंग माइक्रो से काम नहीं चला सकते क्योंकि रिकॉर्डिंग माइक्रो की मदद से आप जो है डायनेमिक रेंज नहीं रख सकते हैं, कस्टमाइज नहीं कर सकते हैं, लूपिंग नहीं लगा सकते हैं रिपीटेड के लिए, वैल्यू के लिए, रिपीटेड वर्क के लिए, आप कंडीशन अप्लाई नहीं कर सकते हैं, आप किसी और के साथ कनेक्टिविटी नहीं कर सकते हैं, तो बहुत सारे इसके अंदर प्रॉब्लम्स हैं। रिकॉर्डिंग माइक्रो से बहुत कम, बहुत ही लिमिटेड काम आप कर सकते हैं। क्वेश्चन आता है कि भाई रिकॉर्डिंग माइक्रो का फायदा क्या है। देखिए इसके दो फायदे, पहला कि लर्निंग पीरियड में जब सीख रहे हैं तो आपको डिक्शनरी की जरूरत पड़ेगी। जैसे आप इंग्लिश सीखते थे तो आपको डिक्शनरी की जरूरत पड़ती थी कि किस वर्ड का क्या मीनिंग है, उसका इंग्लिश क्या है, हिंदी क्या है, इसको निकालने का। उसी तरह से आपको यहाँ पे किस एक्शन का क्या कोड होगा उस कोड के बारे में जानना जरूरी तो कैसे जानेंगे, जैसे मान लीजिए मुझे पेस्ट स्पेशल करने का कोड नहीं पता तो मैं रिकॉर्ड माइक्रो पे क्लिक करूंगा एंड ओके करूंगा, कॉपी करूंगा और कहीं भी जाके पेस्ट स्पेशल और पेस्ट स्पेशल में हम वैल्यू सिलेक्ट करके ओके कर दें। अब जो है स्टॉप करते हैं रिकॉर्डिंग और माइक्रोज में जाते हैं, एडिट करते हैं और यहां पे अपनी माइक्रोज को देख लें।
ये रहा रिकॉर्डिंग हमारा पेस्ट स्पेशल का बैकग्राउंड। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आता है कि अगर मैं तो सीख गया सब कुछ जान गया तो मुझे रिकॉर्डिंग माइक्रो की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए तब आपको जरूरत नहीं पड़ेगी तब, लेकिन फिर भी मैं काम करता हूं। क्यों? क्योंकि मुझे क्या होता है कि कई बार रिकॉर्डिंग करते समय, रिकॉर्डिंग करते समय हम लोग जो है कोड लिखने से बचने के लिए रिकॉर्डिंग माइक का यूज कर लेते हैं। चलिए एक रिकॉर्डिंग माइक्रो से एक बने बनाए प्रोजेक्ट हम बना रहे हैं। चलिए जैसे एग्जाम्पल के लिए हम क्या कर रहे हैं, एक डेटा ले रहे हैं, यहाँ पे इंसर्ट करते हैं डेटा, बीआई टेबल का डेटा, जो इसी डेटा को लेते हैं, कॉपी करते हैं, यहाँ पे पेस्ट करते हैं। हमारा डेटा ठीक है, और इस पे मान लीजिए मैंने एक रिपोर्ट बना लिया पिवट का। इंसर्ट में पिवट टेबल एंड ओके, और हमने अपना यहाँ पे स्टोर फिल्टर में रखा हुआ है, सेल्स ऑफिसर्स एंड प्रोडक्ट यहाँ डाला हुआ है। मैं इससे स्टोर हटा देता हूँ, हाँ स्टोर रख सकता हूँ, दिक्कत नहीं है। और उसके बाद मैं यहाँ पे अपना क्वांटिटी का टोटल रख देता हूँ, और इससे रिलेटेड एक चार्ट भी बना लेता हूँ। और इस रिलेटेड जो यहाँ पे फॉर्मेट तैयार करते हैं, फिर अच्छा सा चार्ट फॉर्मेट ले लेते हैं। अब रिपोर्ट मेरा तैयार हो चुका है मान लीजिए। अभी क्या है कि मुझे ये रिपोर्ट बना हुआ है, एक बार मैंने बना लिया, बना हुआ है मेरा रिपोर्ट। अब नेक्स्ट टाइम क्या होता है कि मुझे कॉल आता है, दिल्ली से कॉल आया कि मुझे दिल्ली का सेल्स रिपोर्ट दे दीजिए, तो मैं दिल्ली पे सिलेक्ट करूंगा और सिलेक्ट करके ओके करूंगा। अब ओके करते ही यहाँ पे दिल्ली आ गया। अब मुझे इस सीट को राइट क्लिक करके मूव एंड कॉपी करके एक अलग सीट पे ले आना होता है, एक अलग फाइल बनाना होता है, फिर उसको मेल करना होता है, ठीक है ना? तो कैसे करें? तो मैं ये चीज सिर्फ पिवट अपडेट करने का करना चाहता हूं, तो इसके लिए मैं सिंपल सा एक माइक्रो रन करना चाहता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पे चेंज किया दिल्ली, देन ओके ठीक है, और यहाँ पे हम राइट सीट पे जाते हैं, राइट क्लिक करते हैं, हम करते हैं मूव एंड कॉपी। देखिए इससे पहले क्या करेंगे हम, माइक्रो को रिकॉर्ड, रिकॉर्ड किया माइक्रो एंड राइट क्लिक मूव एंड कॉपी न्यू वर्कबुक, एंड यहाँ पे क्रिएट कॉपी देना जरूरी है एंड ओके, मतलब सीट ही मूव हो जाएगी। क्या करते हैं अब इस फाइल को करते हैं सेव, सेव करते हैं नया लोकेशंस, जो मेरा लोकेशंस है मान लीजिए मुझे डी ड्राइव में करना है, तो डी ड्राइव के अंदर हम यहाँ पे डी ड्राइव के अंदर, चलो एसएल के अंदर, हम एसएल के अंदर डेटा है, इस डेटा में हम हमारा क्या है दिल्ली है, तो दिल्ली का देन सेव, देन इसको क्लोज कर दे। उसके बाद मुझे इसका ये निकालना है, पिवट भी निकालना है,
नहीं पीवर की जरूरत नहीं, आने देते, इसको क्लोज कर देते और फिर यहां स्टॉप कर। अब इसकी कोडिंग देख देखो, क्योंकि अभी रन नहीं होगा, अभी रन नहीं होगा, तो ये देखिए इसकी कोडिंग। तो पिवट सेट को सिलेक्ट किया, पिवट सेट को कॉपी किया, कॉपी करने के बाद इसको हटा दीजिए, उसको मैंने यहाँ पे सेव एज किया इस नाम से, ठीक है ना, और उसके बाद फिर इसको क्लोज कर दिया। सीट को भी हमें रिनेम करना है और दिल्ली जो है ये नाम को अपडेट करना है, तो पिवट डॉट कॉपी सही है, पिवट डॉट सिलेक्ट, पिवट डॉट कॉपी सही है, ये को सही है। अब हमें पिवट के नेम को चेंज करना है B2 B1 के नेम से, तो यहां हम लिखेंगे एक्टिव या पिवट सीट डॉट, यहां पे डॉट नेम, पिवट सीट डॉट नेम इक्वल टू रेंज, थोड़ा सा चेंज करना होगा, ऐसा नहीं कि रिकॉर्डिंग मैं को किया और आपका परफेक्टली वर्क करेगा, जी नहीं, थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा डॉट। अब यहां देखिए दिल्ली, अब इसको मुझे तोड़ना है, ये चीज यहां भी चाहिए, जो कॉपी कर लिया, अब यहां मैंने इसको लिया और कॉनकेट, कॉन्केट याद होगा, दो टेक्स्ट को जोड़ने का काम करता है कॉनकेट, तो यहां पे हमने कॉनकेट लगाया और बीच में जो दिल्ली था उसका नाम उसके B1 से चेंज कर दिया, बात बाकी ये बिल्कुल परफेक्ट चलेगा। लेकिन मैं या इसको मैन्युअली रन नहीं करना चाहता, मैं नहीं चाहता कि मैं पहले जाऊं यहाँ पे पूरे पे क्लिक करूं, देन यहां पे जाके फिर अपनी माइक्रो 3 को रन करूं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता। देखिए पुणे का सिर्फ पुणे का फाइल बन चुका है, दिल्ली और पुणे दोनों बन गया, तो कैसे करें, हम चाहते हैं जैसे मैं चेंज किया अपने आप रन हो जाए। तो यहां हम आते हैं पिवट वाले शीट पे, पिवट वाले शीट के अंदर वर्कशीट, ये आपका यहाँ पे एक्शन होता है, तो एक्शन में पिवट टेबल चेंज वैल्यू आफ्टर चेंज वैल्यू इस पे गए और हम किसी भी माइक्रो को कॉल करना मुझे, या फिर इस तो पूरे के पूरे कोड को कॉपी पेस्ट कर दीजिए या फिर इस माइक्रो नेम को कॉल कर लीजिए, तो किसी भी माइक्रो नेम को हम आसानी से कॉल कर सकते हैं, तो यहाँ पे रख दिया। अब मैं यहाँ पे दिल्ली के जगह पे मैं करता हूँ मुंबई, रन करते हैं ओके, नहीं हुआ, अब पता चल गया चला कि वर्क नहीं हुआ, मुझे एक काम और करते हैं, कोड में आते हैं, अपने कोड में एक छोटा सा मैसेज डाल देते हैं MSG बॉक्स, डेटा ऐसे मैसेज हमने डाल। अब बारी आती है कि ये वर्क नहीं किया यहाँ पे, इसमें पे आ जाते हैं, तो पिवट टेबल अपडेट में वर्क नहीं करेगा, जो कट करते हैं जब वैल्यू अपडेट रिफ्रेश जब करेंगे तब वर्क करेगा ना, तो यहाँ पिवट टेबल बिफोर यहाँ पे टेबल पिवट टेबल अपडेट मैको 3। अब मैं यहाँ पे अपना कानपुर करता हूँ, वर्क किया, हाँ बिल्कुल, ओके, हाँ इसके अंदर मैक्रो है ना, इस कारण से पूछ रहा है, क्योंकि हम उसी फाइल को सेव कर रहे हैं जिसमें मैक्रो मैंने लगाया हुआ है, ये भी पूछ रहा है कि कोड फाइल को सेव करना है कि नहीं करना है, नहीं मेरा हो गया, ये परफेक्टली अब मेरा वर्क करेगा। कानपुर के बाद अगर मैं करता हूँ यहाँ पे रायपुर, देन ओके, अब ऐसा हो रहा है तो एक काम और कर सकते हैं, जिसमें हम यहाँ पे एप्लीकेशन डॉट
डिस्प्ले अलर्ट इक्वल टू फॉल्स। नोएडा, अच्छा इस पिवट सीट की है ये प्रॉब्लम, इसलिए हो रही है क्योंकि जो पिवट सीट है हमारा वो पिवट सीट के अंदर एक ही हमने कोड किया और पिवट सीट को ही हम भेज रहे हैं, इसलिए ऐसी ये आपका प्रॉब्लम कर रहा है। पिवट सीट जब कॉपी हो रहा है तो पिवट सीट के साथ आपका ये भी जा रहा है ना, उसका क्या बोलते हैं डेटा भी जा रहा है ना, इसलिए प्रॉब्लम हो रही है। वो विजुअल, हाँ इसी फाइल को अगर मैं डॉट एक्सलेस एम कर देता तो प्रॉब्लम नहीं, और डायरेक्ट यहाँ पे डॉट एक्सलेस एम नहीं करना, जब डॉट एक्सलेस एम देंगे तो यहाँ पे फाइल टाइप मुझे चेंज करना है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि मैंने एक रिकॉर्डिंग माइक्रो से बनाया, रिकॉर्डिंग माइक्रो में थोड़ी सी मैंने चेंजिंग की, एक लाइन मैंने यहाँ पे ऐड किया जो देख पा रहे हैं कि मैंने उसका रीनेम किया, और फिर यहाँ पे अपने थोड़ा सा इसको डायनेमिक किया, इसलिए बोला था रिकॉर्डिंग मैक्रो डायनेमिक नहीं करता है। तो रिकॉर्डिंग मैक्रो की मदद से आपने देखा कि हम एक प्रोजेक्ट को हैंडल कर लिए। तो इसी तरह से आप अगर ये करते हैं, कोई ऐसा काम करते हैं और आपको रिकॉर्डिंग करते हैं तो आपको कोडिंग करने से बच जाए। और दूसरी चीज होती है कभी शुरुआती दौर में क्या होती है, कोडिंग का नॉलेज कम होती है तो हम रिकॉर्डिंग करते हैं तो रिकॉर्ड में अपने आप कोड हो जाते हैं, बस कोड को पढ़ के थोड़ी बहुत चेंजिंग करनी होती है, उसके बाद हम एलिजिबल हो जाते हैं उस प्रोजेक्ट को हैंडल करने के लिए। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे कि अगर मान लीजिए कि मुझे इस माइक्रो थ्री को ही रन करना हो तो रन करने के कितने ऑप्शंस हैं। तो रन करने के बेसिकली तीन चार ऑप्शंस हैं, एक तो माइक्रो में जाके रन कर सकते हैं, या एक तो वीवीए कोडिंग में यहाँ जो प्ले बटन दिख रहा है इससे यहाँ से रन कर सकते हैं, दूसरा माइक्रोज में जाके इसके लिए शॉर्टकट तैयार कर सकते हैं ऑप्शन में आके, यहाँ पे जैसे कंट्रोल ए हो गया या कंट्रोल शिफ्ट ए कर दीजिए तो आपका माइक्रो रन हो जाता है, ऐसे शॉर्टकट मत डालिए जो ऑलरेडी पहले से हो। ठीक है, देन अगला अगला काम क्या होता है, अगला काम यहाँ पे ये होता है कि हम किसी बटन्स, यहाँ इंसर्ट में आपको बटन्स दिख रहा है, बटन को अगर यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, बटन ड्रॉ करते हैं, यहाँ पे अपना बटन यूज कर सकते हैं, बटन में असाइन कर दीजिए माइक्रो, इस पर क्लिक करते ही आपका हो जाएगा। एंड नेक्स्ट आप खुद का कोई इंसर्ट डिजाइन कर दें, जैसे मैंने सेप्स में आया, मैंने कोई सेप्स डिजाइन किया, और इसके ऊपर राइट क्लिक करके आप असाइन कर सकते हो बटन, साइन मैक्रो अलर्ट जो भी माइक्रो नेम है माइक्रो थ्री, इसको रन कीजिए। अब इस पर क्लिक करने से रन होगा, इस पर क्लिक करने से रन। तो अभी आप लोग क्या करें, देखिए सबसे पहले क्या होता है अवेयरनेस जरूरी होती है, तो अभी आप क्या करें, सबसे पहले आप जो है अपना एक्सेल ओपन करें, उसमें छोटे छोटे काम जो होते हैं जैसे कॉपी करना, पेस्ट करना, फॉर्मेटिंग करना, मर्ज करना, कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाना, फिल्टर लगाना, फिल करना, पिवट लगाना, ये जो ऑप्शंस है चार्ट लगाना, इन सबों पे आप एक बार में एक ही स्टेप कीजिएगा, उस उसको आप रन करें, रन करके उस माइक्रो को यूज करें और देखें कि कोडिंग क्या है। ठीक है, समझ गए, कल से आप लोगों का कोड कंसेप्ट शुरू होगा, कल एक लास्ट थ्योरी क्लास होगी, उसके बाद आपका कोड कंसेप्ट शुरू।